ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, उसमें हमेशा परस्पर एक संग्राम चलता रहता है। देवता और असुर, हमेशा उनमें जो है परस्पर संग्राम चलता रहता है। कभी जो है आसुरीय शक्तियाँ देवीय शक्तियों पर हावी हो जाती है। हमें अनेकों ग्रंथों में ऐसा जिक्र मिलता है, जैसे शुंभ निशुंभ नाम के असुर, महिषासुर नाम का असुर अत्यंत बलशाली हो जाते हैं, त्रिलोकी में जो है अपना साम्राज्य स्थापित करने लगते हैं, और सभी देवतागण भी उन्हें कंट्रोल करने में असफल पाते हैं। ऐसी स्थिति में सब जो है माँ का, जगत जगत जननी जगदम्बा दुर्गा का आह्वान करते हैं। और दोस्तों, हमें ये समझना है कि हम कई बार ऐसे प्रपंच में पढ़ते हैं कि कौन सा देवता कितना बलशाली है, शक्तिशाली है। दोस्तों, है वही अव्यक्त, जिसे हम व्यक्त करते हैं, परब्रह्म, निराकार, ईश्वर। वो अलग अलग नाना प्रकार के फॉर्म धारण करता है, परंतु अगर हम प्रिंसिपल, नेचर के प्रिंसिपल देखें, तो हर जो चीज़ आपको दिख रही है, हर जो व्यक्ति, हर जो इंसान दिख रहा है, उससे उत्पन्न करने वाली एक माँ होती है। कोई कोई ना कोई माँ के गर्भ से जो है वो जन्म लेता है। तो उस अगर मदर प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करें, तो ये पूरे विश्व की जो उत्पत्ति है, वो पराशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा से हुई है, और हम उसी में जो है विलीन, महाकाली में विलीन हो जाएंगे एक दिन। फिर जो है उसमें से उत्पत्ति और फिर जो है परलय, ये जो है परस्पर क्रम चलता रहता है। तो दोस्तों, हमारे जो जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें असुर की भांति जो है समझा जा सकता है। हमें आध्यात्मिक भौतिक उन्नति से ये जो प्रॉब्लम्स है हमें रोकती है। प्रॉब्लम आपकी कोई भी हो सकती है, आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, रोग, ऋण, शत्रु, है ना, गिने चुने हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो प्रॉब्लम आपकी किसी भी प्रकार की हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी ग्रेव, कितनी भी सीवियर प्रॉब्लम हो आपकी, आज एक आपको मैं एक ऐसी चीज़ सुझाने जा रहा हूँ, जिसका आपने अपने जीवन में प्रयोग किया, उसे अपने दिनचर्या का यदि हिस्सा बना लिया, तो आप सर्वत्र विजय को प्राप्त होंगे। भोग, मोक्ष, राज्य, साम्राज्य, वैराग्य, आपको सभी जो एक थाल में सजाकर मिलेगा, है ना। आप उस पराशक्ति जगदम्बा से मिलकर एक हो जाएंगे, और आपके जीवन में भेद नहीं रह जाएगा, अपूर्णता नहीं रह जाएगी। हर जो आप एंडिवर अपना करेंगे, उसमें आपका एक मैजिकल टच होगा, और एक सत्य को आप जान लेंगे। तो दोस्तों, दुर्गा के 100 नाम, दुर्गा शत नामावली भी कहा जाता है, 108 नाम दुर्गा जी के, और इसका मैं जिक्र करने वाला हूँ। इसे आप कहीं भी गूगल, इंटरनेट आदि पे अगर सर्च करें, 108 नेम्स ऑफ गॉडेस दुर्गा, तो आपको मिल जाएगा, ग्रंथ के रूप में भी मिल जाता है। दोस्तों, एक दुर्गा जी की प्रतिमा, मूर्ति या फोटो ले लें, जल में थोड़ा सिंदूर मिला लें, यानी रक्त वर्ण, जल को हमें रक्त के भांति जो है बनाना है, और यदि उस जल से आप माता का अभिषेक कराते हुए, ये जो 108 नाम हैं, यह अगर पठन पूजन इनका रोज करते हैं, तो आप जीवन में अद्भुत विलक्षण चमत्कार देख सकते हैं। अब मैं कुछ देर में जिक्र करने जा रहा हूं इन नामों का, और आप देखेंगे कि काफी बार जैसे इस तरीके के नाम, अव्यक्ता, जिन्हें व्यक्त करना जो है संभव नहीं है, अनंता, जिनका कोई अंत नहीं है, सर्व शब्द काफी बार आप देखेंगे, सर्व मंगल मांगल्ये, सर्व मंगला, सर्व शस्त्रमयी सत्या, है ना, सर्व सबका मंगल करने वाली, सर्वास्त्रस्य धारणी तथा, सर्व शस्त्र और शास्त्र हाथ में धारण करने वाली, सर्व मंत्रमयी सत्या, सब मंत्रों की देवी। तो सर्वस्व सब कुछ एक नट शैल में प्रदान करने वाली देवी हैं दुर्गा, काली, आप जो भी नाम दें। तो उनके 108 नाम का जिक्र,
जैसे मैंने विधि बताई आपको, नहा धो के स्वच्छ आसन लेके गुरु गणपति का ध्यान करके आप रोज नित्य 108 दुर्गा जी के नामों का पठन पूजन करें, और एक लय है इसे कहने की, आप मैं उस लय में ही आपको कह के सुना रहा हूँ। अगर इस लय को आपने समझ लिया और इस लय में ही उसे कहा, तो आपको जल्दी जो है यह याद हो जाएगा। तो इस प्रकार है, ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा पिनाक धार आर्या दुर्गा जया आध्या त्रिनेत्रा शूल धारणी पिनाक धारणी चित्रा चंद्र घंटा महातपा मन बुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चित्ता चिति सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या अभव्या सदा गति शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्षज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी अमेय विक्रमा क्रूड़ा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमल उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा बहुला बहुल प्रेमा सर्व वाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दनी मधुकैटव हंत्री चह चंड मुंड विनाशनी सर्वासुर विनाश चह सर्वधानव घातनी सर्व शस्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रस्य धारणी अनेक शस्त्र हस्त्रा च अनेकास्त्रस्य धारिणी कौमारी ये कन्या च केशोरी युवती यति अप्रोड़ा प्रोड़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी गौरूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोधरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। अंत का जो नाम है प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। दोस्तों, हर चीज की जो उत्पत्ति है वह नाद, एक ध्वनि से, एक स्वर से उत्पन्न हुई है। E=mc², एनर्जी ही मैटर बनता है। तो वो जो नाद की ध्वनि है, जो ओमकार की ध्वनि है, माँ जो है उसकी प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी है। वह उनका जो संख है उसमें से जो है वह ब्रह्म नाद जो है निकलता है। तो बड़ा ही सुंदर 108 नाम है दुर्गा जी के, इनका पठन पूजन करें और अपने जीवन को जो है चमत्कारों से भर दें। थैंक्स अ लॉट।